हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 28 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैं हिस्ट्री की कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो मैंने एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी है सभी ऑनलाइन टेस्ट की, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको चाहिए डेली नोटिफिकेशन ऑनलाइन टेस्ट का, साथ ही साथ मैं तो रीजनिंग की वीडियो का भी, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता है। एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था, और उससे संबंधित नेता कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट है। आई होप कि आपने आंसर बता दिया होगा। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर टू, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, तो टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एक भी क्वेश्चन को। तो दूसरे का राइट आंसर भी आपका बी हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे, साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बहुत मतलब सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पता भी होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है। तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, भगत सिंह जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छे, अगर आप सिक्स का राइट आंसर बी लगा रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है ये भी, तो बिल्कुल सही है, सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 में। क्वेश्चन नंबर एट, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सभी को पता है डांडी से की गई थी, तो ऑप्शन एट राइट, एट का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था। तो नाइन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो भाई दसवीं का भी राइट आंसर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, तो 11वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 मार्च 1931 में। क्वेश्चन नंबर 12, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन के संतुतियों पर विचार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
अगर आप डेली टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं बाहर से पूछे जा रहे हैं जब आप एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि ये सारे मैं कवर कराने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, सिर्फ कई गोल सम्मेलन हुए थे, उसमें सिर्फ एक में भाग लिया था गांधी जी ने, तो यहाँ पे किस में लिया था वो आपको बताना है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूसरे में लिया था, द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कैम्यूलर अवार्ड 1932 ईस्वी किसने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, पूना समझौता 1932 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। तो बिल्कुल सही, सी राइट आंसर हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था। सेवनटीन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई। तो 18वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक थे। तो बिल्कुल सही है, 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए। तो बिल्कुल सही है, 22वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया। आराम से पढ़िए, आंसर राइट आना चाहिए सभी का। तो 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। तो 24 का भी आराम से आंसर दीजिए आप, जो भी आपका आता है राइट आंसर। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी, यानी कि सेपरेट पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी सबसे पहली बार। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में, यानी कि 1940 से पहले कभी पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो आप सोच सकते हैं उससे पहले कभी पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी कि पाकिस्तान सेपरेट हमें चाहिए या बनाना है, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो इसका 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था करो या मरो का नारा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? काफी अच्छा क्वेश्चन है भी, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों आज के टेस्ट में यही 28 क्वेश्चन थे, इन सभी 28 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।